हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्विक रेसिपी, अरबी की सूखी क्रिस्पी और चटपटी रेसिपी। नॉर्मल अरबी तो हर किसी ने खाई होगी, पर प्लीज़ इसको भी ट्राई कीजिएगा और पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपनी अरबी की चटपटी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने उसके लिए 250 ग्राम बॉइल्ड करी हुई अरबी ली है। इसको मैंने 3 सीटियों में कुकर में बॉइल कर लिया था। अब मैं इसका छिलका जो है वो उससे अलग कर रही हूँ। आप चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से भी उतार सकते हैं। इसको हम साइड में रख देंगे और इसी तरह से दूसरी अरबियों को भी छील लेंगे। देखिए, मैंने सारी अरबियों को अच्छी तरह से छील के एक तरफ रख लिया है। अब मैं इसके पीसेस करूँगी। इसके पीसेस हमें बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं, मीडियम साइज़ के ही रखने हैं। देखिए, मैं इसके पीसेस कर चुकी हूँ। अब हम इसको अपनी पाम पे लेंगे, मतलब अपनी हथेली पे रख के इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। इसी तरह से हमें बाकी पीसेस को भी करना है, अपनी हथेली पे रख के प्रेस करते हुए इसको रख देंगे। देखिए, प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही हैं। अब हम एक पैन को लेंगे और उसको हीट कर लेंगे। हीट करने के बाद इसमें हम एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, यानी कि सरसों के तेल में बनाएंगे, तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए, मैं तेल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालूंगी और आधा ही चम्मच इसमें जीरा डालूंगी। अजवाइन आप इसमें ज़रूर डालिएगा, अजवाइन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम अपनी अरबी ऐड कर देंगे। अब गाइस, याद रखिएगा, अरबी डालने के बाद आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है, इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। हिलाएंगे तो इसके टूटने का डर रह सकता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। अब इस पे हम लेड को रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छे से सिक जाए। अब देखिए, 5 मिनट के बाद मैं लेड को हटा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से लग रही है। अब इसको हम धीरे धीरे करके एक एक को पलट देंगे। आराम से पलटिएगा, ये टूट ना जाए। देखिए, नीचे से कितनी गोल्डन हो चुकी थी। अब फिर से हम इसको ढक देंगे और ये दूसरी तरफ से भी नीचे से ब्राउन हो चुकी होंगी। याद रखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि इसको हमें धीरे धीरे ही पलटना है। अब इसमें मसाले डालेंगे अपने। तो 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ मेनली कलर बहुत अच्छा देगा ये। और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ से ही करेंगे इसको मिक्स हम। अब इसमें हम 2 से 3 स्लाइस में काटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। फिर से हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसमें अपना जो ढक्कन है इसका वो ढक देंगे। ढक्कन में से रख रही हूँ, इसकी जो हरी मिर्च है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। आप चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। 2 मिनट के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये देखिए, हमारी ग्रीन चिली सॉफ्ट हो गई है पहले से। बस हमारी चटपटी मसालेदार क्रिस्पी अरबी बन के रेडी है बिल्कुल। अब इसमें हम थोड़ी सी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। बिल्कुल तैयार है ये बनके। अब इसको गरम गरम बिल्कुल सर्व करेंगे। हमारी क्रिस्पी मसालेदार और चटपटी अरबी बनके बिल्कुल रेडी है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए टेक केयर।